तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं तो उसका लाइसेंस आप कैसे बनाएंगे और उसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पर पड़ेगी, आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैसे बन सकते हैं और आप उसका लाइसेंस बनाने के लिए उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आप इसमें किस प्रकार उसके लिए अप्लाई करेंगे, ये सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने हैं और उसका लाइसेंस आप कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, ये सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, तो आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेगी। अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं तो आप जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो वहां पर उनके पास लेबर की आवश्यकता पड़ती है, उनके पास इतनी लेबर नहीं होती, उनके पास स्टाफ होते हैं जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनको लेबर की आवश्यकता होती है। जो कि कंपनी परमानेंट लेबर को नहीं रख सकती तो उनके पास लेबर की आवश्यकता होती है, जब भी उनको काम की आवश्यकता होती है तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्ट उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, न कि एक एक लेबर को वो इकट्ठा करने चाहेंगे। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में एक ही बार में उनके पास इतनी सारी लेबर आ जाए, ठीक है, क्योंकि कंपनियों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक लेबर को ढूंढने चाहेंगे और उसके बाद आप उसको संभालेंगे। तो इस प्रकार से लेबर कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई सी बड़ी कंपनीज है वहां पर काम कर सकते हैं, तो आपको इस प्रकार आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। कहने का मतलब यही कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो अलग अलग फील्ड में इसकी आवश्यकता होती है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आप बिल्डिंग वर्क से रिलेटेड आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तो इस प्रकार आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। और भी कोई सी कंपनीज है वहां पर लेबर की आवश्यकता होती है, तो धीरे धीरे आपके कॉन्ट्रैक्ट बनने पर आप इसमें बहुत अच्छे से इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो बड़ी बड़ी सिटीज में बड़ी बड़ी कंपनीज में इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपके पास कम लेबर है तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपके पास अगर 20 से ज्यादा आपके पास लेबर है तो आपको लाइसेंस बनाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, कि आप एक लीगल प्रकार से आप इसका बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपके पास 20 से कम आपके पास लेबर है तो आप बिना लाइसेंस से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा लेबर है तो आपको एक लाइसेंस बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो यही हम देखने वाले हैं कि उसमें आप किस प्रकार बनाएंगे। अब बात करते हैं लाइसेंस की, तो लाइसेंस आप ऑनलाइन बनाएंगे जहां पर भी आप रहते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है जो कि श्रम सुविधा, ठीक है, श्रम सुविधा .gov.in पर, तो यहां पर आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने पर जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप अप्लाई करके अपना लाइसेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं, तो जैसे कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आप जिस नाम से कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिख रखे हैं, जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसका पैन कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके होनी चाहिए, और उसके बाद बिजनेस का जो पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, कार्य का आदेश आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद में कार्य का नाम और उसकी प्रकृति आपके पास होना चाहिए, और इसके बाद में लाइसेंस फीस, ठीक है, ये आपको देनी होती है। आप लाइसेंस फीस आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कितनी लगती है, ठीक है, थोड़ी अलग हो सकती है। तो इस प्रकार से आप लाइसेंस बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि कहां पर लाइसेंस बनाएंगे, कौन सी वेबसाइट होगी, तो यहां पर आपकी जो वेबसाइट है श्रम सुविधा .gov.in पर आप जाकर अपना लाइसेंस बना सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। पहले भी मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं तो आप देख सकते हैं। सिविल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होती है, उसकी प्रोसेस क्या है, वो सारी मैंने वहां पर बताई है। अगर आप बीटेक होल्डर है, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा, तो आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो किस प्रकार बनेंगे वो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में इतना ही इंफॉर्मेशन था दोस्तों कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप बनते हैं तो उसका लाइसेंस आप कैसे बनाएंगे और उसका
यूज कैसे करेंगे, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं कि किस प्रकार की वीडियोस आपको चाहिए। इंजीनियरिंग या बिजनेस से रिलेटेड भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए। क्वेश्चन था दोस्तों कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनते हैं और उसका लाइसेंस कैसे बनाए। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।